మహాగఠబంధన్కు స్వస్తి పలికి ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరిన బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. సో లైవ్ లో చూద్దాం. బీహార్ రాజ్య ముఖ్యమంత్రి ఏవం మంత్రి పరిషత్ కా సదస్య నియుక్త కర్తే హై. బీహార్ కే రాజ్యపాల కే ఆదేశ్ సే రాబర్ట్ ఎల్ ట్రంప్టు రాజ్యపాల కే ప్రధాన సచివ్. मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें. करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा. मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ.
आदेश बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।